अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और ये जो आज का हमारा लेक्चर है वो बिज़नेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर है। तो छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल छोटा था, और इसी को हम समझेंगे। ये वैसे लास्ट लेक्चर की कंटिन्यूशन में ही आता है, जिसमें हम कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को देख चुके हैं। ठीक है, मैं आपको ओवरव्यू करवा देता हूँ कि लास्ट टाइम हमने क्या देखा है। सॉफ्टवेयर देखे हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर देखे हैं। थोड़े से पहले हार्डवेयर देखे थे, अच्छी तरह से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखा था, और सारे हार्डवेयर का छोटा छोटा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था हमने। इसके बाद हमने सॉफ्टवेयर देखे हैं, सॉफ्टवेयर की टाइप्स देखी हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखे हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर देखे हैं, नेटवर्क रिलेटेड सॉफ्टवेयर देखे हैं। ठीक है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स हमने देखे थे। इसके अलावा ह्यूमन का इंटरेक्शन जो होता है सॉफ्टवेयर के थ्रू, वो किस तरह से वो होता है, हमने ये चीज़ें देखी थी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखे थे हमने, ये देखा था एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी हैं, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। फिर इसके बाद हमने कुछ सॉफ्टवेयर पैकेजेस के बारे में देखा था कि वो सॉफ्टवेयर पैकेजेस कौन से होते हैं, क्या होते हैं। इसके बाद वन बाय वन हमने उन सॉफ्टवेयर पैकेजेस में से जो मेजर वन है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग है, इनके बारे में देखा था, और इनकी एग्जाम्पल्स देखी थी हमने, सर्च की थी। ठीक है, अब जो आ रहा है हमारे पास तो वो है बिज़नेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, बिज़नेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर क्या चीज़ें आती हैं। आपका जो बिज़नेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, आमतौर पर ये क्या है, बिज़नेसेस में यूज़ होने वाले सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, आपके जो बिज़नेस में जो यूज़ होंगे सॉफ्टवेयर, जिनके थ्रू आप काम करोगे, अपने बिज़नेस को रन करोगे, ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपको अनेबल करते हैं कि आप बिज़नेस को कंडक्ट कर सको थ्रू दीज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। जी, तो बेसिकली आपका बिजनेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है बेसिकली क्या है, बिजनेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आमतौर पर फंक्शन स्पेसिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या होते हैं? फंक्शन स्पेसिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि आपके स्पेसिफिक एप्लीकेशन, जो कि आपके स्पेसिफिक बिजनेसेस के लिए बनाई जाती हैं, वो एप्लीकेशन को हम फंक्शन स्पेसिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलेंगे। आमतौर पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जब भी बात आती है तो उसमें हम ये समझते हैं, उससे ये मुराद दी जाती है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो इसका मतलब है वो किसी ना किसी ज़रूरत के तहत बना। ठीक है, एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि वो किसी कस्टमर की या किसी यूज़र की एक स्पेसिफिक नीड को पूरा कर रहा है। तो बिजनेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है कि वो बिज़नेस की स्पेसिफिक नीड को पूरा कर रहा है। लेट्स सपोज अगर किसी ने अकाउंट्स को मैनेज करना है तो उसके लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, या फिर अकाउंटिंग नहीं है तो फिर एक्सेल शीट पर, यानी कि स्प्रेडशीट को वो यूज़ कर सकता है अपने बजट मेकिंग के लिए। घरेलू इस्तेमाल में भी ये हो सकता है। इसके अलावा आपके जो बिजनेसेस हैं वो भी इनको यूज़ करते हैं, और इसमें कई तरह के वैरायटी ऑफ फार्मूलाज अवेलेबल हैं जो कि यूज़ होते हैं आपके बिजनेस को ड्राइव करने के लिए, रन करने के लिए। ठीक है, तो ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपकी स्पेसिफिक नीड के ऊपर बनाए जाते हैं, बिजनेस नीड के ऊपर। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि कई बिजनेस में आप गए हैं या आपने विजिट किया हो किसी फर्म्स को, तो आपने देखा होगा कि उनके स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर हैं जो कि उन्होंने ऑर्डर पे खुद बनवाए होते हैं या फिर परचेज किए होते हैं। अगर आप किसी शॉपिंग मॉल पे चले जाएँ तो वहाँ पर आपको वो बिल बना के जो देते हैं वो आजकल कंप्यूटराइज दे रहे होते हैं, उसमें जो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है वो पॉइंट ऑफ सेल है। ठीक है, यानी इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। बेसिकली वो इन्वेंट्री को मैनेज कर रहा होता है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट निकाल रहा होता है। इसके अलावा आपकी जो इन्वेंट्री बच जाती है, जो रह जाती है, उसको भी वो बता रहा होता है, और बिलिंग भी आपकी हैंडल कर रहा होता है। इसके अलावा भी और भी कई फंक्शन है उसके। ठीक है, तो आमतौर पर जो बिज़नेस एप्लीकेशन है वो आपकी री इंजीनियरिंग को भी सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा आपके बिजनेस प्रोसेस को स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन के थ्रू ऑटोमेट करते हैं। ऑटोमेट का क्या मतलब है? मतलब ये कि आपके कुछ ऐसे बिजनेस प्रोसेस हैं जो कि पहले तो मैनुअल थे, आपने कंप्यूटर के थ्रू उसको ऑटोमेट कर दिया। ऑटोमेशन का मतलब होता है ऑटोमेटिक कर देना, यानी कि वो कंप्यूटर उन चीज़ों को खुद ही देखता है, उनकी जो बिजनेस प्रोसेसेस हैं कंप्यूटर के अंदर ही इंप्लीमेंट हुए हैं। जैसे कि आप एक एंड से दूसरे एंड पे जाते हैं तो उसमें आपको एक जस्ट कॉन्फ़िगरेशन चाहिए या फिर एक अप्रूवल चाहिए, तो अप्रूवल भी आपको कंप्यूटर के थ्रू मिलेगी। ठीक है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम, यानी एक यूज़र के पास से दूसरे यूज़र के पास डाटा ऑलरेडी आ जाता है। जैसे कि लेट्स सपोज आप नादरा में जाते हो, तो नादरा में डाटा
आगे पहले उसी सूरत जाता है जब प्रीवियस स्टेप जो है वो अपना डाटा आगे प्रोसेस कर चुका हो और आगे भेज चुका हो। तो इसमें मैनुअल वर्क ख़त्म हो जाता है, बस स्टेप्स में बातें आ जाती हैं कि एक प्रॉपर स्टेप्स होते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, कुछ पैरल भी होते हैं वगैरह वगैरह। तो आपके जितने भी प्रोसेसेस हैं बिजनेस रिलेटेड, ठीक है, उनको जो मुमकिन हो सकें उनको ऑटोमेट किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा आपकी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, उसमें भी इसको यूज़ किया जा रहा है। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है, जिसमें रिसोर्स की प्लानिंग की जाती है पूरे तौर पर। सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, ठीक है, इन सारी जगहों पे आपके बिजनेस एप्लीकेशन को यूज़ किया जा रहा है। इसके अलावा दूसरे एप्लीकेशन भी हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर पैकेजेस, जिसमें आपके पास ई कॉमर्स रिलेटेड एप्लीकेशन आ जाती हैं। जैसे कि आपने नोट किया होगा, शॉपिंग की होगी ऑनलाइन, ठीक है, तो वो शॉपिंग क्या है बेसिकली, वो ई कॉमर्स है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। आपने बिजनेस को स्विच कर दिया है किस पर, इलेक्ट्रॉनिकली आप बिजनेस कंडक्ट कर रहे हो। आजकल जो बिजनेस हो रहे हैं ड्यू टू कोरोना, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक ही हो रहे हैं, ऑनलाइन हो रही है परचेजिंग, ऑनलाइन परचेजिंग हो रही है, ऑनलाइन लोग काम कर रहे हैं। स्पेशली अमेजोन पे काफ़ी हद तक इस चीज़ को एनकरेज किया गया और हुआ भी है। पाकिस्तान में भी काफ़ी लोग अमेजोन पे गए हैं, अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, और सारे बिजनेसेस जो हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को आहिस्ता आहिस्ता लेकर जा रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो ऑल आर अबाउट ई कॉमर्स, यानी ई कॉमर्स की बदौलत ही ये सब कुछ हो रहा है। तो ई कॉमर्स बेसिकली करता क्या है, आपके बिजनेसेस को ऑनलाइन ले जाता है और उसके बाद उनको मैनेज करता है। एक शॉपिंग कार्ट प्रोवाइड की जाती है आपको, जिसमें आप शॉपिंग करते हो, उसके बाद चेकआउट करते हो, तो आपके पास डिजिटली रिसीप्ट दे दी जाती है, आपसे आपका होम एड्रेस पूछा जाता है और आपको डिलीवर कर दिया जाता है। बैक एंड पे क्या होता है, बैक एंड पे वो ऑर्डर जो है वो आपके सेल्स डिपार्टमेंट के पास जाते हैं और वो वहाँ से चीज़ों को प्रॉपरली पिकअप करते हैं और शिपमेंट कर लेते हैं। ये सारे बिजनेस प्रोसेस हो गए, ठीक है। अब इस पे 24 घंटे आपकी दुकान खुली है। ई कॉमर्स का फ़ायदा क्या होता है, आपकी शॉप जो है वो ऑल टाइम 24 आवर्स 365 डेज ओपन है, कोई भी आके शॉपिंग कर सकता है आराम से, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन नॉर्मली नॉर्मल डेज के अंदर क्या होता है, 8 to 5 या 8 to 8, 12 घंटे या 9 घंटे आपकी जो शॉप है वो ओपन होती है और आपको चेक करके बैठना पड़ता है, शॉप बंद बिजनेस बंद, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। स्टिल द सॉफ्टवेयर एम्पावर मैनेजर्स एंड बिजनेस प्रोफेशनल्स विद डिसीजन सपोर्ट टूल्स लाइक डेटा माइनिंग, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन पोर्टल्स एंड नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम्स वगैरह वगैरह। अब इसमें क्या है कि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे भी हैं जो कि आपके मैनेजर्स को ये कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो बेहतर डिसीजन ले सकें अपने बिजनेस को लेकर, ठीक है। अब वो काम कैसे होता है, वो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स आपके आते हैं, करेक्टिव सपोर्ट सिस्टम्स आ जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले कुछ लेक्चर्स में बताया हुआ है इनके बारे में, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है। और इन डिटेल हम फ्यूचर में कुछ लेक्चर्स आएंगे जिसमें हम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को बड़ी डिटेल में देखेंगे, करेक्टिव सपोर्ट सिस्टम को भी देखेंगे डिटेल में कि वो कैसे काम करते हैं। तो बेसिकली आपका जो मैनेजर है उनको ये सॉफ्टवेयर टूल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनके थ्रू आप अपने बिजनेस को देखते हो, उनकी कुछ रिपोर्ट्स निकालते हो और उनके बेस पर कुछ स्पेसिफिक डिसीजंस लेते हो बेस ऑन द करंट सिचुएशन जो भी आपके बिजनेस में चल रही होती है। ये कैसे होता है, ये डेटा माइनिंग से होता है। डेटा माइनिंग क्या होती है कि डेटा आपके पास फर्स्ट करें बहुत ज़्यादा है अमाउंट का, उसमें से आपको कुछ एक डेटा चाहिए जो कि आपके काम का हो, जो आप जिसकी जरूरत आपको हो, जिसके थ्रू आपने काम करना हो, जिसके थ्रू आपने डिसीजन लेना हो, जिसके बारे में लेना हो, इसे डेटा माइनिंग कहेंगे। कि डेटा माइनिंग में क्या है कि आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा है, आपने सिर्फ अपने काम का डेटा निकालना है, ठीक है। जैसे कि अगर एक लाइब्रेरी है उसमें डेटा बहुत ज़्यादा पड़ा है, उसके अंदर किताबें बहुत ज़्यादा हैं, तो आपने ढूंढ कर एक बुक निकालनी पड़ती है आपको अपने रिलेटेड, जो आपको चाहिए होती है, जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है, आप वो बुक लेते हो, पूरी की पूरी लाइब्रेरी उठा के घर में ले आते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये डाटा माइनिंग वर्क करता है कि डाटा बहुत ज़्यादा है, उसमें से चंद एक डाटा वो निकाला, और ये ढूंढना जो है ये काम बड़ा टिपिकल लोग होता है और बड़ा क्रिटिकल भी हो जाता है अक्सर। और इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज़ की जा रही होती है, मैं कुछ ज़्यादा डिटेल में जा रहा हूँ। फिर उसके बाद एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन पोर्टल्स हैं, वो भी हैं आपके पास, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है, ये भी बेसिकली नॉलेज ड्राइव करने के लिए यूज़ होता है। तो ये सारे जो हैं वो आपके मैनेजर्स को कुछ डिसीजन लेने में हेल्प आउट कर रहे होते हैं।
इसके अलावा जो प्रोडक्टिविटी पैकेजेस हैं वो आपके पास बंडल के तौर पे आ रहे होते हैं जो कि आपके बिजनेस में यूज हो रहे होते हैं। लाइक माइक्रोसॉफ्ट का अगर मैं देखूँ जो कि मशहूर है, आप भी यूज़ करते हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक आता है ईमेल्स कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आता है डेटाबेस के लिए। उसके बाद ये पांच सॉफ्टवेयर हैं आई थिंक, इसके अलावा फ्रंट पेज भी शायद आता है, ठीक है, इस ये पांच छह सॉफ्टवेयर ऐसे हैं। और ये सारी ये तो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट है ना, इसके कंपटीटर जो हैं लूटस, स्मार्ट सूट्स, कोरल, वर्ड परफेक्ट ऑफिस, सन स्टार ऑफिस वगैरह वगैरह, ये सारे जो हैं वो ओपन सोर्स प्रोडक्ट्स हैं, यानी ओपन ऑफिस में एंड देयर ओपन सोर्स प्रोडक्ट्स और ओपन ऑफिस में, इसके कुछ इनमें से फ्री हैं, कुछ आपको पे करनी पड़ती है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बेसिकली आपको परचेज करना पड़ता है, लेकिन आप लोगों ने कभी परचेज नहीं किया क्योंकि आपको पायरेटेड सॉफ्टवेयर ही मिलता है, ठीक है, फेक कीज के साथ एक्टिवेट करना पड़ता है आपको, एक की जनरेटर ले लेते हो आप, यहाँ फेक एक्टिवेशन कर लेते हो जो कि गलत है, ठीक है। एग्जामिंग योर कंपोनेंट्स गिव अस एन ओवरव्यू ऑफ इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर टूल्स दैट यू कैन यूज टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी, ठीक है, आप अब इन कंपोनेंट्स को देखकर अपने जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर सकते हो। मीन्स कि अगर आपको एक्सेस में डेटाबेस मैनेज करना है तो आप वो भी कर सकते हो एक्सेस सॉफ्टवेयर के थ्रू जो कि माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है, ठीक है, इसके अलावा बाकियों की भी होगी और है। ये आपको बेसिकली कुछ कंपिटिटर्स हैं जिनके आपको सूट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, यानी कि इसके अंदर एक नहीं है बंडल है, ठीक है, बंडल पैक है, ये बंडल पैक आप अलग अलग भी खरीद सकते हो लेकिन ये बंडल पैक है, ठीक है। इसके अलावा नोटिस दैट ईच सूट इंटीग्रेट्स अ सॉफ्टवेयर पैकेज ऑफ वर्ड्स, आमतौर पर वही बात होगी कि हर सूट जो है ना इनमें से उसमें आपके पास वर्ड प्रोसेसिंग भी होगा, स्प्रेडशीट भी होगा, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स पावर पॉइंट भी है, छठा सातवां वो भी मिल गया, डेटाबेस मैनेजमेंट भी है, पर्सनल इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट भी है, यानी कि पर्सनल PIM पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट जिसमें आप अपने फ़ोन डायरेक्टरीज और ये सारी चीज़ें भी मैनेज कर सकते हो। तो माइक्रोसॉफ्ट है इसमें, लूटस ग्राफिक्स ये वही सारे हैं जिनके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, ये सारे हैं जिन जो अपने ये सूट प्रोवाइड करते हैं और इनमें से आप इनके कुछ वर्जन्स हैं जो आप सेलेक्ट कर सकते हो, आपको कौन से वर्जन का चाहिए, 2013 चाहिए, 2000 अगर माइक्रोसॉफ्ट की बात करूँ 2007 भी है, 2013 है, 2016 है, अब तक जो हैं वो ये हैं और 2010 भी हैं, सॉरी। तो ये बेसिकली आपको क्या करते हैं, एग्जाम्पल इंक्लूड प्रोग्राम फॉर, इसमें आपके पास ऐसे प्रोग्राम भी होते हैं जो इंटरनेट रिसर्च के लिए भी होते हैं, ईमेल के लिए भी होते हैं, वेब पब्लिशिंग के लिए भी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए भी, वॉइस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए भी, इलेक्ट्रॉनिक इंसाइक्लोपीडिया के लिए भी प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं आपके पास। सॉफ्टवेयर सूट जो होते हैं बेसिकली आपको अगर सॉफ्टवेयर सूट पूरा खरीदते हो ना आप, तो आपको कम कॉस्ट में पड़ता है क्योंकि आप बंडल पैक खरीद रहे हो, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अगर लो या लूटस का लो या सन्स का लो, बट अगर कोई भी लेते हैं आप, आपको सस्ता पड़ता है। अगर आप इंडिविजुअली निस्बतन इंडिविजुअली अगर खरीदते हो, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खरीदते हो तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट खरीदते हो अलग से तो वो महंगा पड़ सकता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये वर्ड खोल खरीदते हो या एक्सेस खरीदते हो अलग अलग करके तो वो आपको महंगा पड़ सकता है। अगर इकट्ठा खरीदते हो तो आपके पास 6-7 कीवीज भी आ जाती हैं और पूरे का पूरा सूट भी आ जाता है और आपको सारा कुछ बंडल पैक यूज कर सकते हो उसे आराम से। इसके अलावा अनदर एडवांटेज इज दैट ऑल प्रोग्राम यूज सिमिलर ग्राफिक। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज कि एक फायदा है इन सारे प्रोग्राम्स को खरीदने का या फिर इस सॉफ्टवेयर सूट को किसी भी कंपनी का खरीदने, उनमें ग्राफिक यूजर इंटरफेस जो होता है ना GUI जो आपको नजर आ रहा है दिखाई देता है जो फॉर्म जिनके थ्रू आप काम करते हो, ये सारा एक ही जैसा होता है, ठीक है, एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, आइकन्स टूल्स जो हैं जितने भी, जैसे कि आपके पास रिबन जो है मींस के आपके पास जो टैब्स हैं वो मिलते जुलते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, स्टेटस बार मिलती हैं, मेन्यूज मिलते होते हैं और इस तरह की कई चीज़ें मिली हुई होती हैं, तो आपको एक जैसा ही लुक मिल जाता है तकरीबन काफ़ी हद तक, जिसके थ्रू आपके लिए या नए बंदे के लिए इन सारी चीज़ों को सीखना बहुत आसान हो जाता है। और सॉफ्टवेयर टूल्स जो हैं वो कॉमन टूल्स भी यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि स्पेल चेकर हो गया, हेल्प का विजिट हो गया, जो कि उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है और यूज़र को एक बेटर फील प्रोवाइड करता है कि भाई एक ही जैसे हैं तो मिलते जुलते हैं तो आसान लगता है आपको इनको यूज़ करना भी। हाँ, सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर उनके फंक्शंस वेरी कर रहे होते हैं लेकिन कुछ कॉमन टूल्स भी होते हैं और खासतौर पर इनका इंटरफेस एक जैसा होता है जिसकी वजह से इनको
थकान नहीं होती इस तरह की कि टूर से दूसरे टूर जाना है या एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर जाना है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके लिए। Another big advantage of tours is there is that the programs are designed to work together seamlessly and import each other files easily, no matter which programs you are using at the time. ये इसका एक बहुत बड़ा फायदा है, वो क्या है कि आप जब एक प्रोग्राम को यूज़ कर रहे हो, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आपने यूज़ किया है और आप एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो जिसमें आपने सेल्स की रिपोर्ट देनी है, तो सेल्स की रिपोर्ट में आप हो सकता है कि एक सेल्स का चार्ट दिखा दो कि भाई इतना इस महीने हुआ था, इसने इतना इस महीने सेल्स हुई है, पिछले महीने सितंबर में इतनी हुई, अक्टूबर में उतनी है, नवंबर में इतनी, दिसंबर में इतनी, और आजकल जो चल रही है आपकी अप्रैल चल रहा है, तो अप्रैल में आपकी सेल्स करंटली जो चल रही हैं वो ये हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू प्रीवियस हिस्ट्री। ठीक है, तो उसके लिए आपको चार्ट यूज़ करना पड़ सकता है। आप चार्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एज सच ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, लेकिन वो जो चार्ट है वो इंपोर्ट किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से। आप बनाते हो उसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में और वो चीज़ इंपोर्ट होके आपके पेज के ऊपर लग जाती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ठीक है, अब कोई चेंजेस आपने करनी है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उधर एक्सेल में करते हो तो वो चेंजेस आपकी नज़र आने शुरू हो जाती हैं उस चार्ट में, क्योंकि वो लिंक होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि ये एक दूसरे की फाइल ईजिली इम्पोर्ट कर सकते हैं। कोई भी प्रोग्राम आप यूज़ कर रहे हो तो एक दूसरे की फाइल्स को जो फाइल्स हैं वो एक दूसरे की फाइल्स हैं वो सीमलेसली आप इम्पोर्ट कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कैपेबिलिटी जो है इनको ज़्यादा एफिशिएंट बनाती है और इजी बनाती है यूज़ करने के लिए और इंडिविजुअल पैकेजेस के लिए। ठीक है, ये आपके पास बिजनेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। आमतौर पे ये जो आपके पास चार्ट नज़र आ रहा है, बेसिकली क्या है, ये वर्ड प्रोसेसर, ये वो प्रोग्राम्स हैं और प्रोग्राम्स हैं आगे उनके ऑफिस में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोडक्ट है जो कि आगे ये क्या है, ये आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो प्रोडक्ट्स हैं जो वो इनके मुकाबले में दे रहे हैं। फिर लोटस स्मार्ट हैं, उन वो जो सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसर जो है वो वर्ड प्रो के नाम पे दे रहा है, स्प्रेडशीट जो है 1-2-3 के नाम पे दे रहा है, प्रेजेंटेशन जो है वो फ्रीलांस के नाम पे दे रहा है, डेटाबेस मैनेजर अप्रोच के नाम पे दे रहा है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजर के नाम पे दे रहा है। इस तरह से ये सारे काम है। ठीक है, कोरल में, वर्ड परफेक्ट ऑफिस में, वर्ड परफेक्ट क्वार्ट्रो प्रो प्रेजेंटेशन, पैराडॉक्स कैर, कोरल सेंट्रल, ठीक है, सन ओपन सिस्टम में राइटर्स कैल्क, इंप्रेस बेस शेड्यूल वगैरह ये चीज़ें दे रही हैं। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप जानते हो वर्ड जो है वो वर्ड प्रोसेसर है, एक्सेल जो है स्प्रेडशीट है, प्रेजेंटेशन जो है पावर पॉइंट है, डेटाबेस जो है वो एक्सेस है, और पर्सनल इन्फॉर्मेशन सिस्टम आउटलुक है। ठीक है, तो यही आपके बिजनेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से आज का जो लेक्चर है वो इतना ही है। ओके जी, कोई क्वेश्चन हुआ तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।